वेलकम बच्चों, मैं दुलार चंदास स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बाद मैं ये पहला वीडियो डाल रहा हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें ताकि मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूँ। और आज हम लोग चैप्टर 1.3 क्लास 5 की साइंस बुक है इसको पढ़ाई करेंगे। प्लांट्स पौधे के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल ग्रो ओल्ड विद द टाइम एंड अल्टीमेटली डाई। सभी सजीव चाहे वह पौधा हो या जानवर बढ़ते हैं, बड़े होते हैं और अंततः मर जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। जो सजीव यहाँ विद्यमान हैं उनके द्वारा अपने जैसे नए प्रजातियों का उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस मोर मेंबर्स ऑफ देयर स्पेसीज। अपने जैसे और अधिक प्रजातियों को उत्पन्न करने की योग्यता वास्तव में सजीवों के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज बाई विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। पौधों के प्रजनन करने की अलग अलग तरीकों के बारे में आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस, पौधों के प्रजनन करने के अलग अलग तरीके। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय एनी ऑफ दिस थ्री वेज, इनमें से कोई भी तीन प्रजनन करने के तरीके। फ्रॉम सीड, बीज से। फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंग से। फ्रॉम स्पोर्स, बीजाणुओं से। ए नंबर में फ्रॉम सीड, बीज से। मोस्ट फ्लॉरिंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, अधिकतर फूल देने वाले पौधे बीज से प्रजनन करते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्रूट, बीज फल में बनते हैं। इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, यह पौधों के प्रजननकारी भाग होते हैं। द सीड कॉन्टेंट्स ए बेबी प्लांट और एम्ब्रियो एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट। बीज में एक बेबी प्लांट होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं और उसी में उस बेबी प्लांट के लिए भोजन भी होता है। द पार्ट ऑफ बेबी प्लांट इन सीड विच डेवलप्स इन टू सूट विथ लीव्स इज कॉल्ड प्लूम्यूल। बीज में मौजूद बेबी प्लांट का वह भाग जो विकसित होकर सूट बनता है जिसमें पत्ते भी होते हैं उसे प्लूम्यूल कहते हैं। एंड द पार्ट विच डेवलप्स इन टू रूट इज कॉल्ड रेडिकल, और जो भाग विकसित होकर जड़ बनता है उसे रेडिकल कहते हैं। द पार्ट ऑफ सीड विच कॉन्टेंट्स फूड फॉर द बेबी प्लांट इज कॉल्ड कोटिल्डन। बीज के जिस भाग में बेबी प्लांट के लिए भोजन होता है उसे कोटिल्डन कहते हैं। जर्मिनेशन इज द ग्रोथ ऑफ ए सीड इन टू ए सीडलिंग, बीज से पौधे का निकलना अंकुरण कहलाता है। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, जो पौधे बीज से उगते हैं उसे बीज अंकुरण कहते हैं। व्हेन द सीड गेट्स सुटेबल कंडीशन लाइक वाटर, एयर एंड वार्मथ इटीसी इट जर्मिनेट्स। जब बीज को उपयुक्त परिस्थिति मिलती है जैसे कि पानी, हवा, गर्मी इत्यादि, यह अंकुरित हो जाता है। एंड ए न्यू प्लांट ग्रो आउट ऑफ द सीड, और बीज से नए पौधे के रूप में बाहर निकल आता है। इन दिस वे द पैरेंट प्लांट रिप्रोड्यूस मोर प्लांट्स लाइक इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग सीड्स थ्रू फ्लावर्स। इस तरह से पैरेंट प्लांट पहले फूल उत्पन्न करते हैं, फिर उससे फल और फिर उससे अपने जैसे बहुत सारे पौधे उत्पन्न करते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का छितराव। सीड्स जर्मिनेट एनीवेयर, बीज कहीं भी उग जाते हैं। क्वेश्चन इज दैट हाउ सीड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्रश्न यह उठता है कि आखिर बीज एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कैसे होते हैं। सीड्स आर ट्रांसफर्ड बाय इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये बीज कीड़े, हवा, पक्षी और जानवर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, इसे बीजों का छितराव कहते हैं। इट इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फार अवे
फ्रॉम द पैरेंट प्लांट्स। इस तरह से बीज पैरेंट प्लांट से दूर बिखर जाते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों से। न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स लाइक स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्रजननकारी अंगों के मदद के बिना पुराने पौधे के शरीर के अंगों जैसे कि तना, जड़, पत्तियां से नए पौधे प्राप्त होते हैं। दिस मेथड अक्योर्स इन फ्लॉरिंग एंड नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स लाइक रोज, पोटैटो, ऑनियन, डलिया, क्रोटॉन, मनी प्लांट इटीसी। यह विधि फूल वाले पौधे या नन फूल वाले पौधे में उपयोग होता है जैसे कि गुलाब, आलू, प्याज, डलिया, क्रोटॉन, मनी प्लांट इत्यादि। फूल वाले पौधे का मतलब है कि जिसमें सिर्फ फूल लगता है, और नन फ्लॉरिंग प्लांट का मतलब है कि जिसमें फूल के बाद फल लगता है उसे नन फ्लॉरिंग प्लांट कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द ऑल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। वनस्पति प्रसार में सामान्य रूप से पुराने पौधे के उस भाग को जिसमें एक या अधिक कली होता है उसे नए पौधे के रूप में विकसित किया जाता है। दीज बर्ड्स आर इन द डॉर्मेंट स्टेट, इनएक्टिव स्टेट इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कलियाँ पुराने पौधे में निष्क्रिय अवस्था में होता है। द रूट ऑफ प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डलिया, आम, कैरोट व्हेन लेफ्ट इन द सॉइल ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इन पौधों के जड़ जैसे स्वीट पोटैटो, डलिया, एम, कैरोट मतलब गाजर आदि मिट्टी में रह जाए तो ये नए पौधे के रूप में उग आते हैं। सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, रोज, मनी प्लांट, जिंजर, शुगर कैन ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। कुछ पौधे जैसे कि पोटैटो, रोज, मनी प्लांट, जिंजर, अदरक, शुगर कैन, इख, इसके तने को काटकर नए पौधे उगाए जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक ब्रोयोफिल्म एंड बेगोनिया हैव स्मॉल बड्स और लीफलेट्स ऑन द मार्जिन ऑफ देयर लीव्स। कुछ पौधे जैसे कि ब्रोयोफिल्म और बेगोनिया के पत्तों में छोटे छोटे पत्रक होते हैं। व्हेन द बर्ड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सॉइल न्यू प्लांट्स ग्रो। ये पत्रक जब नमी और मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो नए पौधे उग आते हैं। फ्रॉम स्पोर, बीजाणु से। द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। बीजाणु गठन द्वारा पौधों में प्रजनन होता है। इन स्पोर फॉर्मेशन द प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। बीजाणु के गठन में पौधे 100 गुना सूक्ष्म प्रजननकारी इकाई उत्पन्न करते हैं जिसे बीजाणु कहा जाता है। When the spore casts off the plant bursts, then the spores spread into air. जब पौधे के बीजाणु विस्फोट होते हैं तब वे हवा में फैल जाते हैं। When these airborne spores land on food or soil under favorable condition like pampered worm conditions, they germinate and produce new plants. जब ये हवा जनित बीजाणु जमीन पर गिरते हैं और उसे उपयुक्त परिस्थिति जैसे कि अनुकूल गर्मी मिलती है तब वे नए पौधे के रूप में उग आते हैं। एग्जाम्पल फर्न, मॉस, मशरूम। उदाहरण है फर्न, मॉस, मशरूम। प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम ए फार, दूर से लाए गए पौधे। इन आवर सराउंडिंग ऑल प्लांट्स आर नॉट नेटिव, सम हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारे चारों ओर के सभी पौधे यहीं नहीं उगे हैं, कुछ दूसरे देशों से लाए गए हैं। यू नो अबाउट हॉट ड्रिंक्स कॉल्ड कॉफ़ी एंड टी। आप लोग गर्म पेय कॉफ़ी और चाय के बारे में जानते होंगे। कॉफ़ी कम्स फ्रॉम इथोपिया एंड टी कम्स फ्रॉम
चाइना, कॉफ़ी इथोपिया से और चाय चीन से आया है। द चाइनीज वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट ग्रोइंग टी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो एंड देन जैपनीज। चीनी हजारों वर्ष पहले चाय को उगाना शुरू किए थे, उसके बाद जापानी लोगों ने उगाया। इन इंडिया इन 1828 टी कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड इन असम। भारत में चाय की खेती असम में 1828 ईस्वी में शुरू किया गया था। इट्स प्लांट इज एन एवरग्रीन प्लांट विच ग्रो इन प्लेसेस एट ए हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर। यह पौधा एक चिरहरित पौधा है जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाली जगह में उगती है। इट ग्रोज ओनली इन सम प्लेसेस। यह सिर्फ कुछ ही जगहों में उगती है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर एंड ग्रोन इन हिली एरियाज सो दैट एक्स्ट्रा वाटर कैन गेट ड्रेन आउट। इसे अधिक पानी की जरूरत होती है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में उगती है जहाँ अतिरिक्त पानी बह जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहीं से पानी की आवश्यकता अधिक होती है और फिर पहाड़ी क्षेत्र में यह उगता है जहाँ पे पानी बहकर बाहर चली जाती है। इसका मतलब है कि उसे पानी की आवश्यकता है, लेकिन उसके स्थान पे लगातार पानी जमे रहना वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। इट रिक्वायर्स वर्म वेदर एंड मेनी आवर्स ऑफ सनशाइन। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन असम दार्जिलिंग एंड इन द नीलगिरी। भारत में यह असम दार्जिलिंग और नीलगिरी में उगती है। ये पौधे हैं, पौधों के नाम दिए हुए हैं और ये किस देश में इनकी उत्पत्ति हुई है इसके बारे में बताया गया है। टोमेटो, चिली, पीनट, साउथ अमेरिका, ये सारी चीज़ें साउथ अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है। क्लोव, इंडोनेशिया, आप इसको पूरा देख सकते हैं अपनी किताब में। यहाँ पे कई सारे नाम दिए हुए हैं और इसके ओरिजिन प्लेस दिए हुए हैं। ये कहाँ पे उगे हैं, लेमन, यूरोप, वाटरमेलन, साउथ अफ्रीका, आप इसको अपने बुक में पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 1.3 समाप्त हो जाती है। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यह इस चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस, और टू नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, थ्री नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें चार फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जबकि जो न्यू बुक आया हुआ है उसमें पांच दिए हुए हैं। तो मैं न्यू बुक का आंसर आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आइए मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर बना के दिखाता हूं। हाउ डज प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड बाय जर्मिनेशन। व्हाट इज डिस्पर्सल। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फार अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लांट बाय द एक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। What are agents of seed dispersal? The agents of seed dispersal are insects, wind, water, birds, and animals. What is the role of cotyledon? During germination of seeds, cotyledons provides food to the baby plants. What is vegetative propagation? Obtaining new plants from the parts of old plants without the help of reproductive organs is called vegetative propagation. क्वेश्चन नंबर टू में ट्रू फॉल्स दिया हुआ था, यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख दिया गया है। एफ का मतलब फॉल्स, टी का मतलब ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स में पांच क्वेश्चन है न्यू बुक में और उसके अनुसार हमने पांचों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने बुक से क्वेश्चन देख के इसको भर सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1.3 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से पढ़ाई में थोड़ा भी मदद मिलता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपके पढ़ाई से संबंधित कई सारे वीडियो आ चुके हैं और आने वाले हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ने के लिए अगली वीडियो में चलेंगे। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वीडियो।